बीती रात चोरों ने फुलैया गांव में दी दस्तक। बीती रात मिलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फुलैया नंबर एक में रहने वाली कलावती पत्नी पूर्णमासी, जो कि अपने पुत्र मंजीत व पुत्री मोना के साथ घर में सो रहे थे, पीड़िता ने बताया कि रात लगभग 12 बजे आधा दर्जन अज्ञात चोर मेरे घर में घुस आए तथा चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए घर में रखे बॉक्स में 2000 रुपये की नकदी तथा घर में रखे 3 के 3 ड्रमों में से 8 क्विंटल धान भरकर ले गए। पीड़िता ने बताया कि चोरों से विरोध करने पर घूसों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। अच्छा, चोरी में क्या क्या आपका गया है? चोरी में खाली बस हमारा वही धान गया है। कितने क्विंटल? वही 8 क्विंटल और 2000 रुपया। अच्छा, पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस कितनी देर बाद? पुलिस 4 बजे जब हमको होश आया तब बलदेव डॉक्टर ने आए जी, तो वही फोन करे हैं, तब 100 नंबर वाली गाड़ी आई थी। कुछ नशीले पदार्थ सबको सुखा दिया था, सिर्फ तुमको सुखाया था? नहीं, हमारे बच्चों को भी, हमको भी। कितने लोग सो रहे थे यहाँ पे? हम लोग 3 आदमी थे। कमरे के बाहर सो रहे थे? हाँ, इसी में मड़ैया में। कौन कौन सो रहा था? ये लड़की। क्या नाम है लड़की का? लड़की के नाम मोना। मोना, और कौन था? लड़का का नाम मंजीत। मंजीत, और देवर आपके? वो तो उधर से, वो देवाल वाला घर। हम लोगों पर चोरों ने कोई नशीला पदार्थ छिड़क दिया जिससे हम बेहोश होकर पड़े रहे। सुबह 4 बजे हम लोगों को होश आया तो बाहर जाकर गांव वालों को बताया, जिसकी सूचना गांव वालों ने 100 नंबर डायल व स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस ने पीड़िता से घटना से संबंधित जानकारी ली। पीड़िता का घर झोपड़ी नुमा बना हुआ है तथा पीड़िता का पति बाहर रहकर मजदूरी कर रहा है। सोचने की बात यह है कि चोरों को 8 क्विंटल धान की चोरी करने में काफी समय लगा होगा। चोरों को गांव वालों के जाग जाने व पुलिस आने का बिल्कुल डर नहीं लगा रहा। देखा जाए इस चोरी की घटना ने पुलिस की गश्त की पोल खोल कर रख दी है। थाना प्रभारी निरीक्षण ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द चोरों की गिरफ्तारी करके जेल में भेजा जाएगा। घटना के बाद से गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है।